أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम बड़े आसान अंदाज में हमारे आए हुए मेहमान, हमारे आए हुए खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना हुजूर वाला हजरत मौलाना एहसान इकबाल कादी साहब को दावत दें कि आप आए और अपने आसान अंदाज में हमें हमसे खिताब फरमाकर हमारे कुलूब को मुनव्वलो मुजल्ला फरमाए। आइए हम अपने खतीब का इस्तकबाल, अपने कायद का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल फातिहा। ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مخدوم محترم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب مصباح قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ میں سری لنکا سے آیا ہوں، اگرچہ میرے آبا و اجداد آپ کے اس ہندوستان کے ہیں، میری زبان بھی اردو نہیں، اس لیے اگر میری بول چال میں کوئی کمی پائے تو آپ حضرات درگزر کر دینا، اور میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ کوئی خامی نظر آئے تو میری ضرور اصلاح بھی فرما دیں۔ محترم حضرات، جو موضوع آج کے اس جلسے میں رکھا گیا ہے وہ توحید اور شرک ہے، اور اس پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، آسان لفظوں میں مفتی صاحب قبلہ نے آپ حضرات کے سامنے
पेशकश की। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और हम तमाम सुन्नियों को हज़रत से फैज़याब होने की तौफीक अता फ़रमाए। मौज़ सामईन, ये जो शिर्क का फतवा लगता है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने क़ुरान करीम को ना सही समझा और ना ही हदीस पाक को सही समझा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये डंके की चोट पे कहते हैं, इसलिए कि हमें उम्मीद रहती है कि हमारी इस गुफ्तगू सुनने के लिए कुछ हज़रात चुपके से बैठे हुए होते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप चुपके से ना सुने बल्कि मैदान में आइए, इंशाल्लाह जो कुछ यहाँ गुफ्तगू होगी वो क़ुरान और हदीस की रोशनी में होगी और आप में से कोई इसको गलत साबित कर दे एक भी हवाला तो हम इंशाल्लाह रुजू कर लेंगे। और अगर ऐसा ना हो सका तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तौबा करके सच्चे दिल से सुन्नी बन जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रज़ा ना कभी किसी से डरता है ना मैदान छोड़ के भागता है, इसलिए हमारी ये भी गुजारिश है कि आप सामने आए, टेबल डिस्कशन करें, आमने सामने बैठकर पोलाइटली गुफ्तगू करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे। जो भी हवाला यहाँ पेश किया जाए उसको गलत साबित कर दे या सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाइए। और अगर इस वक्त आप मुनासिब नहीं समझते गुफ्तगू करने के लिए तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में भी आप अगर चाहें तो मुंतजमीन से राबता करें और इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो ये आला हज़रत का ग़ुलाम खुद आ जाएगा। अब आइए गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारा दावा ये है कि इन्होंने क़ुरान को ना सही समझा ना हदीस पाक को सही समझा। अब दावा खाली नहीं होता, उसके लिए दलील भी होनी चाहिए, तो हम एक एक करके इंशाअल्लाह वक्त की मुनासिबत के हिसाब से पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा मौजू है अल्लाह की कुदरत, द कुदरत ऑफ अल्लाह एंड द पावर्स ऑफ द औलिया अल्लाह। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ताला के नेक बंदों की ताकत। अगर इस मौजू को हम सही तौर से जहन में बिठा लेंगे और इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह शिर्क तो बहुत दूर की बात है, गुमराहियत की तरफ भी इंशाअल्लाह हमारा गुजर नहीं होगा। बस शर्त यह है कि सही तौर पे समझने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और औलिया अल्लाह की ताकत, कभी भी आप गैरों को देखेंगे, अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ जब भी वो कोई बात पेश करते हैं तो सबसे पहली बात यही होती है कि मज़ारात पे जाने की क्या ज़रूरत। क्या मैं सही कह रहा हूँ? औलिया किराम का वसीला लेना, इसकी क्या ज़रूरत? नियाज फातिहा क्यों करते हो? कोई ज़रूरी नहीं है। औलिया किराम से मदद ये सोच करके अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर जुमेरात को तुम मज़ार पे जाते हो, घर बैठ के भी तो फातिहा पढ़ सकते हो, क्या ये ज़रूरी है कि हर हफ्ते जाया करो? फिर ये भी कहते हैं कि मज़ार की तरफ सफ़र करना ये चूंकि हदीस से मना है, इसलिए मज़ारात की तरफ आप सफ़र करके ना जाएं। आजकल लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान भर से और दुनिया के कई ममालिक से ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अदब से हाजिरी देने के लिए सफ़र शुरू कर दिए हैं। और इस सफ़र के बारे में भी कहते हैं कि हदीस में इसको मना किया गया है, कहते हैं कि नहीं? अच्छा, हम आपको इंशाअल्लाह ये दिखाने की कोशिश करेंगे जो हदीसें ये पेश करते हैं कि मज़ारात की तरफ सफ़र करना जायज़ नहीं है, उस हदीस पाक में मज़ार का लफ्ज़ है ही नहीं, ये अपनी तरफ से इसको ऐड किया है। और ऐड क्यों किया है? मकसद औलिया किराम से दूर करना। औलिया किराम से दूर करने का मकसद क्या?
कुरान करीम की रोशनी में और हदीस तय्यबा की रोशनी में अल्लाह के नेक बंदे ये ईमान की सिक्योरिटी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रिमेन विद द सालिहीन, बी विद द सालिहीन, बी विद द ट्रुथफुल। तो ईमान को बचाने के लिए अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान बच जाएगा। क्यों? अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई है और यह भी कुरान करीम से साबित है। अगर मैं तफसील पर जाऊंगा तो वक्त इजाजत नहीं देगा, लेकिन मुख्तसरन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे ताजीमी किया जाए, सबने सजदा किया। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाउन, किसने नहीं किया? इल्ला इबलीस। अल्लाह ने पूछा, मा मनअका अन तसजुद लिमा खलक्तु बियदै, ऐ इबलीस किस चीज ने तुम्हें रोका कि तू सजदा नहीं किया उसका जिसका जिसको मैंने बनाया है? उसने जवाब दिया, या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, इनको मिट्टी से बनाया। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, अन खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया, काल फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम, निकल जा यहां से, तू मरदूद है, मलऊन है। अब इबलीस ने कहा, अनज़िरनी इला यौम युबअसून, या अल्लाह कयामत तक तू मुझे मोहलत दे दे, मेरे लिए तू हमेशा के लिए जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नक मिनल मुंज़रीन, जिंदगी दी गई एक हद तक। अब इबलीस ने कहा, फबिइज्जतिक, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह के सामने यह दावा कर रहा है कि या अल्लाह मैं सबको गुमराह करूंगा, लेकिन इबलीस ने यह भी कह दिया, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, या अल्लाह मैं सबको गुमराह करूंगा तेरी इज्जत की कसम, आई विल मिसलीड ऑल द पीपल, लेकिन या अल्लाह तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। सबको गुमराह करूंगा, तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। गुमराह करने की कोशिश करने वाला यह दावा कर रहा है कि मैं औलिया किराम को गुमराह नहीं कर सकता। अब अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया, इन इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, बेशक ऐ इबलीस मेरे जो नेक बंदे हैं उन पर तेरा कोई काबू नहीं चलेगा, तेरा दाव नहीं चलेगा। अब इबलीस ने खुद एतराफ किया कि मैं औलिया किराम को गुमराह नहीं कर सकता। अब अल्लाह ने मजीद उसमें सील लगा दी कि बेशक मेरे नेक बंदे मेरे प्रोटेक्शन में हैं, मैंने उनकी हिफाजत की है, मैं उनकी हिफाजत करता हूं, तू उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। अब पता चला दो गिरोह, एक वो जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन है और एक आम लोगों की जमात। अब मुझे बताइए, आपको ईमान बचाना है तो आप आम लोगों की जमात में जाएंगे या उनकी जमात में जो प्रोटेक्टेड है, उनसे जुड़े रहेंगे जो ऑलरेडी महफूज हैं ताकि उनके सदके हमारे ईमान की भी हिफाजत हो? अब हदीस पाक की रोशनी में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ तालीम फरमाई सोने से पहले। बुखारी शरीफ में यह हदीस मजकूर है, यह दुआ बुखारी शरीफ में है। जैसे एक दुआ तो यह है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह तेरे नाम से मैं सोने जा रहा हूं, या अल्लाह मैं तेरे नाम से सोने जा रहा हूं। इसी तरह एक दुआ है, बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी वबिका अरफउहु, या अल्लाह तेरे नाम से मैं सोने जा रहा हूं और या अल्लाह मैं सुबह उठूंगा तो भी तेरे ही नाम से। इन अमसक्त नफसी, या अल्लाह नींद के दौरान अगर तू मेरी रूह को कब्ज कर ले, अगर मेरी रूह कब्ज कर ली जाए तो या अल्लाह तू उसे बख्श देना। कितनी प्यारी दुआ है। नींद में अगर मौत आ जाए तो अल्लाह से यह दुआ, इन अमसक्त नफसी फरहमहा, या अल्लाह अगर नींद में मेरी मौत हो जाए तो मुझे बख्श देना। कितनी प्यारी दुआ है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई और आगे के जुमले, व इन अरसलतहा, और या अल्लाह अगर तूने मेरी रूह नींद के बाद मुझे लौटा दी, मैं सुबह उठ गया यानी ईमान के हालत में मैं उठ गया, फहफजहा, या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, बिमा तहफज बिही इबादक सालिहीन, जैसे तू अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए जो दुआ तालीम फरमाई वो औलिया किराम के वसीले से तालीम फरमाई, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा जैसे तू अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। अब मुझे बताइए, ईमान से बढ़कर कोई दौलत है?
ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान जैसी अजीम दौलत बचाने के लिए औलिया किराम का वसीला लेने की तालीम दी। अब जब ईमान जैसी अजीम दौलत वसीले से जायज, तो दुनियावी मामलात वसीले से कैसे हराम हो गए? ईमान जैसी अजीम दौलत जायज, उसकी तालीम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। तो आप दुनिया की चीजें जो ईमान के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखती, वो कैसे नाजायज हो जाती? लेकिन ये लोग वसीले को हराम कहते हैं, कहते हैं ना वसीले को हराम कहते हैं। अब बुखारी शरीफ में ये हदीस मजकूर है। अब इंग्लिश वर्शन अगर आप उठा के देख लेंगे डॉक्टर मोहसिन खान का, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात है डंके की चोट पर है। ऑनलाइन वर्शन देख लीजिए, या अगर यहां दारुसलाम पब्लिकेशन यहां कहीं हो तो आप प्रिंटेड वर्शन भी उठा के लाइए, अभी दिखा देता हूं। बुखारी शरीफ की उस हदीस में दुआ के बाब में यह हदीस तो लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इस हदीस का तर्जुमा नहीं किया कि या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत तेरे वलियों के वसीले से फरमा, इसका तर्जुमा नहीं किया। अगर तर्जुमा कर देते तो चोरी पकड़ी जाती। एक तरफ कहते हैं वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, और यहां बुखारी ही में वसीला साबित हो चुका, तो लोगों से हकीकत को छुपाने के लिए इस हदीस का तर्जुमा ही नहीं किया। दुआ को लिख दिया, तर्जुमा पेश नहीं किया। अब पढ़ी लिखी आवाम जो सिर्फ इंग्लिश के पीछे भागती है, जिनको ये टारगेट करते हैं सिलेबस के जरिए, स्कूलों में भी इंटरनेशनल सिलेबस के जरिए ये जो जिन बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके सामने हकीकत को छुपा के रखते हैं। ये बुखारी शरीफ से भी खेलते हैं जब अपने नफ्स की पैरवी की बात आती है। अल्लाहु अकबर। तो औलिया किराम ये ईमान की हिफाजत का एक जरिया है। तो जाहिर है ईमान को लूटना शैतान का मकसद है। शैतान ईमान को लूटने के लिए सबसे पहले ताले को कमजोर करेगा, सिक्योरिटी को लूज करेगा, और सिक्योरिटी लूज करने के लिए औलिया किराम से दूर करना पड़ेगा। यही वजह है तमाम गैर मुकल्लिदीन का, वहाबियों का, देवबंदियों का सबसे पहली ताकत यही होती है कि मजारात औलिया से दूर किया जाए। जितना डिप्लोमेटिकली दूर करेंगे इतना आदमी दूर होता जाएगा। अब जो हफ्तावार जा रहा था मजारात पे, वो सोचेगा बात तो सही है, रोजाना जाने की क्या जरूरत है, घर बैठ के कभी कभी फातिहा पढ़ लिया जाए। अब वो महीने में एक मरतबा कर लेगा और सुस्ती पैदा हो जाएगी, तीन महीने में एक मरतबा कर लेगा और सुस्ती पैदा हो जाएगी, साल में एक मरतबा कर लेगा, फिर सोचेगा छोड़ो यार घर बैठ के ही पढ़ लेते, फिर घर बैठकर पढ़ने की आदत भी आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। जितनी दूरी होगी इतनी आसानी से शैतान ईमान को लूट लेगा। तो इनका टारगेट ही यही है ईमान को लूटने के लिए। औलिया किराम की तरफ बातों को मंसूब करते हैं, यानी कुरान करीम की आयात को मिसकोट करते हैं, हदीसों को मिसकोट करते हैं, और आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। उसमें पहली साजिश क्या है? ट्रेवलिंग टू द प्लेसेस अदर देन थ्री मसाजिद, तीन मसाजिद के अलावा सफर की तैयारी करना, यह हदीस पाक से मना है। अब इस हदीस पाक को जो ये पेश करते हैं, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम सफर का इरादा करो तो तीन मसाजिद के अलावा नहीं करना। मस्जिद हराम मक्के शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ मदीने शरीफ में, और मस्जिद अक्सा शरीफ। इन तीन मसाजिद के अलावा ज्यादा सफर नहीं बांधना, यानी सफर की तैयारी ना करना। यह हदीस आप सुने हैं कि नहीं? इस हदीस को पेश करके क्या यह नहीं कहते कि बगदाद शरीफ का सफर मत करो, अजमेर शरीफ का सफर मत करो, नागौर शरीफ का सफर मत करो, कहते हैं कि नहीं? अब मुझे आप बताइए, इस हदीस में तीन मसाजिद का जिक्र है, मसाजिद का लफ्ज भी मौजूद है, तीन मसाजिद के अलावा सफर करने को मना फरमाया। अब इनसे पूछिए दिल्ली मरकज में क्यों जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए? ये तीन मस्जिद के अलावा है कि नहीं? गैर मुकल्लिद अपने अपने इलाके में मस्जिद बनाते हैं कि नहीं? आपके चीता कैंप में मस्जिद है कि नहीं वहाबियों की? क्यों मस्जिद बनाते हैं? जब तीन मस्जिदों के अलावा सफर ही मना है तो मस्जिद बनाते क्यों हो? और ये लोग तबलीग करने के लिए जैसे पाकिस्तान गए रायवंड, यहां गए सहारनपुर देवबंद में, और वहां भी ये भी जब अपने अपने इज्तिमा करते हैं तो किसी मखसूस इलाके की तरफ सफर करते हैं कि नहीं? बाकायदा टिकट दे के, यानी कंसेशन रेट दे के लोगों को फ्री में टिकट भी प्रोवाइड करके बुलाते हैं। सफर हुआ कि नहीं? यह सफर भी नाजायज होना चाहिए।
कहा क्या कभी इन्होंने ये कहा कि ये सफर नाजायज है? कभी ये कहा कि इज्तिमा में आना मना है? हदीस से मना है तीन मसाजिद के अलावा सफर ना कर नहीं करो, इस हदीस को कभी पेश नहीं करते। यही बात मजारात औलिया की आती है तो ये मस्जिद ये हदीस को पेश करते हैं, जबकि इस हदीस पाक में मजारात का लफ्ज है ही नहीं, दरगाहों का जिक्र है ही नहीं, कब्रों का जिक्र है ही नहीं, तो क्यों ये मजारात की बात इस हदीस को लेके पेश करते हैं? ये लोग ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग मजारात की तरफ सफर करते हो, ये गलत है, ये हराम है, हदीस में मना किया गया, जबकि हदीस में मजारात की तरफ सफर करने को मना किया नहीं गया। इसके बरअक्स कितनी हदीसें हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन शहदाए उहद की मजार पे हाजिरी देते थे, सफर हुआ कि नहीं? इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में भी ये हदीस मजकूर है कि हुजूर अलैहि सल्लतु वसलाम साल में एक मर्तबा एक दिन मुकर्ररा पर शहदाए उहद की बारगाह में हाजिरी देते थे। तो मजारात की तरफ सफर करने की हदीस तो मौजूद है। इस हदीस का मफहूम क्या है? मुहद्दिसीन ने इसके बारे में लिखा कि चूंकि मस्जिद हराम में मक्के शरीफ में एक नमाज का एक लाख सवाब मिलता है, एक नेकी का सवाब एक लाख है, मस्जिद नबवी शरीफ में 50,000, मस्जिद अक्सा में 25,000, इस इरादे से जामा मस्जिद दिल्ली में मत जाना के 10,000 सवाब मिलेंगे। इस इरादे से तुम अजमेर शरीफ में आलमगीरी मस्जिद में नमाज मत पढ़ना के 5,000 सवाब मिलेंगे। और ए वहाबियों, इस इरादे से तुम अपने मरकजों की तरफ सफर मत करना के 10,000 सवाब मिलेंगे। हदीस का मफहूम तो यह है कि तीन मसाजिद में सवाब की ज्यादती है, फजीलत के एतबार से है, इसके अलावा बाकी तमाम मसाजिद में सवाब यकसान है। हदीस कुछ और कहती है, तुम पेश करते हो कुछ और। अगर तुम्हारा यही दावा है कि नहीं इस हदीस से तमाम सफर मुराद है इसीलिए तुम मजार को पेश करते हो, तो निकाह अगर तुम्हारा साउथ अफ्रीका में हुआ तो निकाह का सफर भी हराम होना चाहिए। तुम निकाह अपने शहर ही में करो, साउथ अफ्रीका में बीवी ढूंढने मत जाओ। अगर किसी ने अपनी बीवी को ढूंढ लिया सिंगापुर में तो जाहिर है निकाह के लिए सफर करेगा कि नहीं, तो यह सफर भी हराम होना चाहिए। आजकल बिजनेस के लिए तुम बैंकॉक जाते हो, चाइना जाते हो, दूसरे ममालिक का सफर करते हो, यह भी हराम होना चाहिए। लेकिन जवाब क्या देते हैं? नहीं, चूंकि बिजनेस का सफर हदीस से साबित है, शादी का सफर हदीस से साबित है, इसलिए यह हदीस पाक उस पर फिट नहीं होती। तो हमारा जवाब भी सिंपल है, मजारात पे जाना भी हदीस से साबित है, यहां क्यों फिट करते हो? मजारात पे जाना भी हदीस से साबित है, यहां क्यों फिट करते हो? पता क्या चला? औलिया किराम से दुश्मनी, और यही वो बेस है जिसकी बिना पर ये हमारे ईमान को लूटने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एनुअल कमेमोरेशन ऑफ उर्स, सालाना उर्स मनाना, इस पर भी कहते हैं कि नहीं उर्स मनाना ये जायज नहीं है, उर्स मनाना ये हराम है, और बिलखसूस गरीब नवाज का उर्स आता है तो और भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाती है इनको। आइए हदीस पाक की रोशनी में, तफसीर इब्ने कसीर, ये मैं तफसीर इब्ने कसीर खासकर इसलिए पेश कर रहा हूं कि गैर मुकल्लिद वहाबी ये अगर तफसीर पढ़ते हैं तो ज्यादातर इब्ने कसीर ही को पढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है? हाफिज इब्ने कसीर ये इनके इमाम इब्ने तैमिया के स्टूडेंट थे, इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं हाफिज इब्ने कसीर। यही वजह है कि इब्ने कसीर ये पेश करते हैं, पब्लिश भी करते हैं और तर्जुमा भी किया है, तो इब्ने कसीर का तर्जुमा किया है। लेकिन इसमें कितनी चोरी की है वो इंशाल्लाह हम किसी और मौके पे बताएंगे। कितनी ऐसी हदीसें जो हमारे अकायद को साबित करती है, तफसीर इब्ने कसीर से साबित है, लेकिन इंग्लिश वर्शन से इन्होंने उन सबको हटा दिया है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। और उसके ताल्लुक से हाफिज इब्ने कसीर ने इस हदीस पाक को नकल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि हुजूर अलैहि सलातु वसलाम साल में एक दिन शुहदाए उहद की बारगाह में हाजिरी देते थे। फयकूल लहुम, और उनसे ये कहते, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उकबद्दार,
सूरे रात की इस आयत करीमा के तहत सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उकबतदार के तहत यह हदीस पाक हाफिज इब्ने कसीर ने नकल की कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम वंस ये ही यूज्ड टू विजिट द शुहदा ऑफ उहुद द ग्रेव्स ऑफ द शुहदा ऑफ उहुद। सिर्फ इतना ही नहीं, हदीस का अगला जुमला वकदा अबू बकर, इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी साल में एक मरतबा हाजिरी देते थे, वह उमर इसी तरह हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी हाजिरी देते थे, वह उस्मान इसी तरह हजरत उस्मान इब्ने अफान भी हाजिरी देते थे। तो साल में एक मरतबा दिन को फिक्स करके बुजुर्गों की मजारत पे हाजिरी देना ये नबी की भी सुन्नत, हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी सुन्नत, हजरत उमर की भी सुन्नत, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन की भी सुन्नत। कितना वाज़े है, लेकिन इस हदीस को भी इन्होंने शॉर्ट वर्शन, मुख्तसर वर्शन जो इब्ने कसीर लिखी है अरबी में, उसमें इन तमाम हदीसों को निकाल दिया और खासकर इंग्लिश में जो तर्जुमा किया है वो शॉर्ट वर्शन का तर्जुमा किया है, ओरिजिनल वर्शन का तर्जुमा नहीं किया। अब ये जो कहते हैं कि उर्स मनाना ये हदीस से साबित नहीं जबकि हदीस में मौजूद है, तो इनकी बात को सच्ची साबित करने के लिए नई वर्शन में, नए पब्लिशिंग में इन तमाम हदीसों को हटा दिया और तर्जुमा भी इन हदीसों का नहीं किया। अब देखिए अपने इमाम की किताबों से भी ये खेलते हैं, अपने इमाम की लिखी हुई तफसीर से भी ये खेलते हैं। अब इसी हदीस पाक को कितने लोगों ने नकल किया, मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक जो इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के असातिज़ा में से हैं, इमाम अब्दुल रज्जाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुसन्नफ में भी इस हदीस पाक को नकल किया। और वो कब के इमाम है, हिजरी 211, इनकी वफात हिजरी 211 में हुई, दैट मीन ही इज फ्रॉम द फर्स्ट 3 सेंचुरीज, पहले 3 सदी के ये बुजुर्ग है, खैरुल कुरून के ये बुजुर्ग है, फर्स्ट 3 सेंचुरी के बुजुर्ग कौन, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक यानी इमाम अब्दुल रज़ाक रदी अल्लाह ताला। इसी तरह तारीख अल मदीना ली इब्ने अबी शिब्बा, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा जो हिजरी 262 में वफात पाए। इसी तरह इमाम बैहकी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को नकल किया जो हिजरी 458 में वफात पाए। इसी तरह इब्ने जरीर ने तफसीर तबरी में इसको नकल किया जो हिजरी 310 में वफात पाए, और तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस हदीस पाक को नकल किया, तफसीर निशापुरी में इस हदीस पाक को नकल किया, तफसीर दुर्रुल मंसूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तफसीर में इस हदीस पाक को नकल किया। इसी तरह इमाम अबू सुऊद ने तफसीर अबी सुऊद में इस हदीस को नकल किया, और इमाम आलूसी ने अपनी तफसीर में इस हदीस को नकल किया। इसी तरह इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में इस हदीस पाक को नकल फरमाया। अब कितने रेफरेंसेस यहां दिए गए, एक रेफरेंस नहीं, सिर्फ इब्ने कसीर का रेफरेंस नहीं, पहले 3 सदी के बुजुर्गों का रेफरेंस भी मौजूद है, कई मुफस्सिरीन का रेफरेंस भी मौजूद है। इसका मतलब इस पर इजमा था कि साल में एक मरतबा मजारत पे हाजिरी देना यह सही है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है, हदीस से साबित है। सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं, खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत है। और ये लोग कहते हैं कि उर्स मनाना हराम है, अब मुझे बताइए उर्स मनाने वाले सहाबा के तरीके पर हैं या नहीं, उर्स मनाने वाले सहाबा के तरीके पर हैं ना, और जो इनकार करते हैं अगरचे वो ये दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस पे अमल करने वाले हैं, हकीकत ये है कि हदीस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो ये कहते हैं कि हम वो काम करेंगे जो सहाबा ने किया, जो सहाबा ने नहीं किया वो नहीं करेंगे, सहाबा ने साल में एक मरतबा हाजिरी दी है, ये लोग कहते हैं कि नहीं दी, झूठे ये लोग साबित हुए। खुद कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पे आमिल है, हम कुरान हदीस के अलावा कोई बात नहीं करते, जबकि इनके फैल से ये साबित है कि ये हदीस पर अमल करने वाले नहीं है और ना ही सहाबा के राम के तरीके पर अमल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान सहाबा के राम के तरीके पे अमल करने वाले हैं। और नाजी फिरका भी वही है, मा आना अलैहि व असहाबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो फिरका जन्नत में जाएगा जिस अकीदे पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा है।
तो जो इस अकीदे पर होगा वो जन्नत में जाएगा। सहाबा के अकाइद से, सहाबा के प्रैक्टिस से ये साबित हो गया कि साल में एक मर्तबा खास कर हाजिरी देना, वैसे तो हाजिरी देते थे, वंस अ ईयर स्पेसिफिकली हाजिरी देना ये भी हदीस पाक की रोशनी में वाज़ह तौर से हमें मिलता है। और इस हदीस पाक को कई बुजुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया, लेकिन ये वहां भी ये गैर मुकल्लिद आपके सामने ये कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ और मौजू है, इस तरह की कोई हदीस नहीं है। इसका मतलब जितने अकाबिरीन ने इस हदीस को नकल किया सबको ये मुशरिक कहने पर तुले हुए, सबको ये बिदात पर अमल करने पर तुले हुए, कहने पर तुले हुए हैं कि वो सब बिदाती थे, वो सब के सब मुशरिक थे। जैसा कि हजरत ने फरमाया कुरान और हदीस को ना समझने की बिना पर ये लोग पूरी उम्मत को मुशरिक कह बैठते हैं। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ते हैं, ये हदीस पाक तफसीर इब्ने कसीर में जैसे मैंने कहा सूरह रात की आयत के तहत लिखी हुई है, लेकिन ये जो इंग्लिश वर्जन आपके सामने नजर आती है इसमें से इस हदीसे पाक को सिरे से ही हटा दिया है, पूरी हदीसे पाक को इन्होंने हटा दिया है। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनियम उकबदार के बाद उस हदीस का जिक्र ही मौजूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को सुनने की भी ताकत अता फरमाता है और बोलने की भी ताकत अता फरमाता है। हमारा अकीदा है कि नहीं, हम या गरीब नवाज कहते हैं तो अल्लाह की अता से गरीब नवाज सुनते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह की अता से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी आवाज को सुनते हैं। ये कहते हैं कि नबी सुनते नहीं हैं, फरिश्ते दरूद पहुंचाते हैं। यही कहते हैं ना, आप जब दरूद व सलाम पढ़ते हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं सुनते बल्कि फरिश्ते आपके दरूद को पहुंचाते हैं। जब सुनते नहीं तो फरिश्ते पहुंचाते क्यों? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे अकीदे के मुताबिक व्हेन ही इज अनेबल टू लिसन टू द सलाम देन व्हाई आर द एंजल्स प्रेजेंटिंग द सलाम? फरिश्ते सुनाते ही क्यों है जब सुनते नहीं? इससे पता चला कि वहां भी बोलता है मगर समझता नहीं। ये खुद कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते नहीं, हां फरिश्ते पहुंचाते हैं। फरिश्तों का पहुंचाना, इस पर तुम्हारा अकीदा रखना, यह खुद इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं। खैर, वक्त की कमी है इसलिए मैं जरा मुख्तसर करता हूं। ये लोग आयत ये पेश करते हैं फइन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इदा वल्लौ मुदबिरीन, और दूसरी आयत ये पेश करते हैं वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जिसका मफहूम ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकौल इनके तर्जुमे के हकीकत में ये मफहूम नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसलेशन कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। और दूसरी जगह पे वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, ए नबी जो कब्र में है उनको आप नहीं सुना सकते। अगर आप इस आयत करीमा को पूरी पढ़ेंगे और इसकी तफसीर देखेंगे तो यह बात क्लियर हो जाएगी कि यहां वो मुर्दे मुराद नहीं जो कब्र में है, बल्कि यहां वो मुराद है वो कुफार जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर भी ईमान ना लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर भी जो ईमान ना लाए, यानी हकीकत से आगाह होने के बाद भी जो ईमान ना लाए, वो कुफार मुराद है, उनको अल्लाह ने मुर्दा कहा। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समीम वाला अबसारहिम, अल्लाह ने उनके सीनों में मोहर लगा दी है। अल्लाह है सील दिया हार्ट्स, सील दिया आईस, सील दिया ईयर्स। अब हक बात सुनकर भी कबूल नहीं करते, हक बात देखकर भी कबूल नहीं करते, तो यहां कुफार मुराद है। और ये मैं नहीं कहता, इनके इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने भी यही लिखा है कि यहां कुफार मुराद है। लेकिन ये आपके सामने क्या पेश करते हैं, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब कोई मुझ पर यह एतराज कर सकता है, हमने कभी ऐसा कहा नहीं, आप झूठ बोलते हो, हमने ये नहीं कहा। तो आइए दलील के तौर पे एक क्लिप हम आपको सुना देते हैं। Can deaf people hear?
Because in Quran they can't. Allah says innaka la tusmi'ul mauta. And he said that wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. You don't make the dead here and you cannot make those in the grave here. An exception to that is two exceptions. If you go back to the lecture tawassul, this was elaborated on, but the two exceptions are the dead of Badr among the kuffar of Quraysh, whom the Prophet ﷺ spoke to, and that's what the Sahaba were shocked. How are you speaking to them? Because they learned from the Quran that you cannot. He made an exception, as Aisha explained, that only during that time Allah made them here, just so that they would be reprimanded. And the other exception is that the person who was buried, he hears the footsteps of people as they are. ये क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये हुआ कि क्या मुर्दे सुनते हैं? इसने कहा नहीं सुनते. आयत वही पेश की इन्नक ला तुस्मिउल मौता और वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर. लेकिन इसने, इसका नाम है अबू मुसअब वजदी अक्कारी. ये पहले मुसलमान था, फिर बुद्धिस्ट हो गया था. बुद्धिस्ट होने के बाद दोबारा अब वहाबी हो गया. अबू मुसअब वजदी अक्कारी ये इंग्लिश में नौजवानों के दरमियान बहुत मशहूर है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको डायरेक्ट कम्युनिकेट इससे किया एक शख्स के जरिए. इसने जब कहा कि वसीला हराम है, मैंने कहा कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो पहले ये कहा कि ठीक है हम डिस्कशन के लिए रेडी हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. हमने कहा कि भाई डिस्कशन के लिए रेडी हो तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करेंगे? मकसद तो यही है कि तुमने जो गलत इंटरप्रिटेशन किया है वो आवाम को दिखाना है कि तुमने गलती की है. कहा कि ठीक है हम रिकॉर्डिंग करेंगे लेकिन गुफ्तगू अरबी में होगी, इंग्लिश में नहीं होगी. तो हमने कहा कि तुमने इंग्लिश ही में तो ये बकवासें की हैं, तो ऑडियंस, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस ही को तो समझाना है कि हकीकत क्या है. अब तुम ये कहो कि अरबी में गुफ्तगू करेंगे तो सिर्फ अरबी जानने वाला समझेगा, जिसको तुमने गुमराह किया वो कब समझेगा? तो दोनों बातों को इनकार करके कहा कि नहीं, मैं आपसे गुफ्तगू करना नहीं चाहता. ये हमेशा इन लोगों की ये आदत होती है. डॉक्टर जाकिर नायक भी बार बार यही कहता है ना, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकिन. कोई भी अगर कोई बात पेश करे तो दलील पूछो. उस पर जरूरी है कि जो बात पेश करे उस पर दलील भी पेश करे. तो मुझसे भी कोई सवाल करता है तो मैं कहता हूं कि भाई दलील दो, और मैं तो टिप फिंगर टिप्स पे आपको रेफरेंस दे रहा हूं. लोग ये नहीं देखते कि ये जो रेफरेंस दे रहा है उसको जाके देखे कि वाकई में सही रेफरेंस दिया है कि नहीं. इसके कहने पर, इसके कहने के अंदाज पर लोग महवू हो जाते हैं कि यार चैप्टर नंबर बता दिया, पेज नंबर बता दिया, सतर नंबर बता दिया, वाकई में क्या मेमोरी है, बस इसी की तरफ माइल हुए. ये नहीं देखा कि जो बात कही वो सही है कि नहीं. यही वजह थी कि हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि 25 से जायद आयत हैं कुरान में के वसीला हराम है, एक आयत तो दिखा दीजिए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है उलमा की जूतियों के सदके में कि कुरान में वबतगू इलैहि वसीला तो है, ला तबतगू वाली कोई आयत नहीं है. वसीला लेने पर तो आयत है, ना लेने पर कोई आयत नहीं है. तो जवाब नहीं दे पाए. कहा कि मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा. 4.5 साल हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही कयामत तक कोई जवाब आएगा. और हमने पहले भी यहां चीता कैंप में कहा है, बंबई में भी कहा है, केरला में भी कहा है, अब भी कह देते हैं. यहां कोई जाकिर नायक का मानने वाला हो तो बराए मेहरबानी उससे ये आप रिक्वेस्ट करें कि हाफिज एहसान के सवाल का जवाब दे दो. और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के दिलों में ये सवाल छुपा हुआ है. सबको तुमने कंफ्यूज कर दिया कि 25 आयतें वसीले को हराम करार देती है. हमारे कितने नौजवान कंफ्यूज होकर वसीले को छोड़ दिए गए. तो सब इन करोड़ों नौजवानों को, उनके ईमान को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सवाल किया और आज तक जवाब नहीं और ना ही कयामत तक कोई जवाब आएगा. इसलिए कि ऐसी कोई आयत नहीं है. इसलिए हम गुजारिश करते हैं, अब भी अगर कोई इसके फैंस यहां पे हो तो प्लीज, काफी फैंस ने ईमेल करके कहा भी कि श्रीलंका वालों का जवाब दे दो. जवाब नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग उस क्लिप को देखकर तौबा करके सुन्नी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह. और हम आपको मिस दावत भी देते हैं, अगर आप सच्चे हो, अगर आप जाकिर नायक और इन जैसे वहाबी स्पीकर्स की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो चुके हो तो आप सामने जाकर पूछो कि एक आयत साबित कर दो वसीला हराम है हम छोड़ देंगे. और वो साबित ना करे तो समझ लेना कुरान पर इन्होंने झूठ बांधा है.
और जो आदमी कुरान से खेले क्या उसकी तकरीर आप सुनोगे? चाहे कितने ही रेफरेंस दे दे कुरान पर, झूठ बांधे कुरान की आयतों के नाम पर, ये कहे कि ये हराम वो हराम, जबकि एक आयत भी पेश ना कर सके। अरे तुमने कहा कि 25 से ज्यादा है और तुम फिंगर टिप से रेफरेंस देते हो, हमको 25 नहीं एक रेफरेंस दे दो, एक आयत करीमा दे दो, क्यों नहीं देते? पता ये चला कि ये झूठे हैं। और इससे पहले कुछ श्रीलंका के लोगों ने एक क्लिप बनाई थी जिसमें यह कहा कि श्रीलंका के लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया, वसीला हराम है, 25 आयतें हैं, वो कौन सी हैं? आइए हम वो आयतें पेश करते हैं, कहके आयतें वही दी जो बुतों के पूजा के ताल्लुक से। वसीले का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये दुआ की, या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदके में मेरी मगफिरत फरमा, इस दुआ को क्या आप हराम कहेंगे? या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदके में मेरी फला हाजत को पूरी फरमा, ये है वसीला। या अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरा ये बिगड़ा हुआ काम बना दे, ये है वसीला। दुआ अल्लाह से करना और अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला पेश करना। अब इस पर ये कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा की, अब मुझे बताइए बुतों की पूजा कहां और अल्लाह से दुआ वसीले के साथ करना कहां, कितना अजीम डिफरेंस है। ऐसे ही लोगों के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि वो बदतरीन मखलूक है जो कुरान की वो आयतें बुतों के ताल्लुक से जो नाजिल हुई उनको नेक बंदों पर फिट करते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की उनके कौल के मुताबिक जितने भी वहाबी गैर मुकल्लिद औलिया किराम के ताल्लुक से वो आयतें पेश करते हैं जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई थी, अकॉर्डिंग टू दी हदीस, अकॉर्डिंग टू दी सहाबी रसूल, दे आर दी वर्स्ट क्रिएशन, बदतरीन मखलूक है। हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साहबजादे ने फरमाया कि ऐसे लोग बदतरीन मखलूक है। तो अगर हमने कह दिया कि कुरान पर तुमने झूठ बांध कर तुम बदतरीन मखलूक में शामिल हो गए तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने यह फरमाया और कुरान करीम से भी साबित है, उलाइकहुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक में से है। एक और स्पीकर है, ये भी इंग्लिश स्पीकिंग में जरा आजकल बहुत आगे है, इसकी भी आप जरा सुन लीजिए ताकि और वाज़े हो जाए। द स्कॉलर्स से दैट दैट पीपल डोंट हियर इवन द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, दो ही इज दैट ही इज बरीड इन हिज ग्रेव, ही डजंट हियर व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या बोले? मुर्दा नहीं सुनते, इवन द प्रॉफिट डजंट हियर, यहां तक के नबी भी नहीं सुनते। दोबारा सुन लीजिए इसको। द स्कॉलर्स से दैट दैट पीपल डोंट हियर इवन द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, दो ही इज दैट ही इज बरीड इन हिज ग्रेव, ही डजंट हियर व्हाट्स गोइंग ऑन। साफ हो गई ना? ही इज डेड, ही इज इन द ग्रेव, ही डजंट हियर व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, इससे पहले जो क्लिप हमने पेश की अबू मुसब वजदी अक्कारी ने, यह कहा कि मुर्दे सुनते नहीं, वमा अंत बिमुस्मी मन फिल कुबूर है, लेकिन दो मौके ऐसे हैं कि जहां मुर्दे सुनते हैं। पहले तो यह कहा कि मुर्दे सुनते नहीं, फिर उसी में यह कहते हैं देयर आर टू ओकेशंस, एक ये कि हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के बाद कुफार मक्का से जिनकी लाशें थी उनसे गुफ्तगू की, उस मौके पर मुर्दे सुने थे, इसके अलावा नहीं सुनते। और दूसरी, जब आप मुर्दे को दफन करके जाते हो तो आपकी जूतियों की आवाज मुर्दा सुनता है। अब खुद कहते हो कि मुर्दा नहीं सुनता, यह भी कहते हो कि जूतियों की आवाज को सुनता है। एक तरफ तो यह कहते हो कि कुरान में मुर्दा नहीं सुनता, हत्ता के नबी भी नहीं सुनते, लेकिन इस बात को कबूल करते हो कि ऊपर से चलने वाले की जूतियों की आवाज मुर्दा सुन लेता है। क्या कभी इस पर आपने गौर किया कि यहां इन्नहु लयस्मउ क़रान यालिहिम क्यों फरमाया गया? इसमें क्या हिकमत है कि मुर्दा जूतियों की आवाज यकीनन सुनता है, जूतियों की आवाज बहुत बारीक होती है। अरे मतलब यह है, जब बारीक से बारीक आवाज सुन सकता है तो कब्र के पास रहकर आवाज दो तो क्यों नहीं सुनेगा? हदीस का विजडम ये लोग समझने से कासिर है। क्यों? इसलिए कि हुब्बे नबी इनके दिलों में नहीं, हुब्बे सहाबा हुब्बे अहले बैत इनके दिलों में नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ तुम ये कहते हो कि मुर्दा नहीं सुनता, दूसरी तरफ ये कहते हो कि नहीं सिर्फ जूतियों की आवाज को सुनता है, मतलब सुनना साबित, सुनना तुम भी मानते हो। अब हम जब एतराज करते हैं कि
ऐसे कैसे हो सकता है कि मुर्दा सुनता नहीं और जूतियों की आवाज़ सुनता है? तो जवाब क्या देते? नहीं, अल्लाह ने वहां सुनने की इनको ताकत दी। यानी वैसे नहीं सुनता, अल्लाह सुनाता है, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी। अब मुझे बताइए, आपने अगर या गौसे आजम का नारा लगाया तो आपका अकीदा क्या है? गौसे आजम अल्लाह की अता के बगैर सुनते हैं या अल्लाह की अता से सुनते हैं? आपने या रसूल अल्लाह कहा तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता के बगैर सुनते हैं या अल्लाह की अता से सुनते हैं? हमारा अकीदा भी तो वही है। और इस आयत करीमा में जो ये पेश करते हैं, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, ऐ नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, कभी भी ये आयतें पेश करे तो इनसे कहिए कि पूरी आयत पढ़ो। जिस दिन पूरी आयत पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, तो इनको कबूल करना पड़ेगा कि ये गलती पर है। अगर ये जान बूझ कर तब भी कबूल नहीं करते तो मतलब ये एडमंट है, ये जिद्दी है। जब ये ऐसे जिद्दी हो जाए तो ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया कि इनसे सलाम मत करो, इनसे बात मत करो, इनसे शादी ब्याह मत करो, इनके साथ खाना ना खाओ। सही है नजरत? ऐसे लोग जो एडमंट रहते हैं हक बात को समझने के बाद भी ये जिद्दी होते हैं, इनसे दूर रहने का हुक्म है। अब आयत पूरी पढ़ने को कहेंगे तो इनको पढ़ना पड़ेगा, वमा यस्तविल अमा वल बसीर, इन्ना अल्लाह युस्मिउ मन यशा, वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, इन्ना अल्लाह युस्मिउ मन यशा पहले है, यानी बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर, आप अपने तौर से नहीं सुना सकते। इनके तर्जुमे के मुताबिक अगर यहां वाकई में मुर्दा ही मुराद ले जो कब्र में है, तब भी हमारा अकीदा साबित है। जबकि ये आयते करीमा तो उन कुफार के ताल्लुक से है जो ईमान ना लाए। अगर एज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यही मुराद है कि मुर्दा नहीं सुनता, तो इस आयत से पहले इसी आयत का अगला जुमला, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। हमारा अकीदा भी वही है कि सुनने की ताकत अल्लाह ने दी है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है तो अकीदा तो साफ है। हमने ये कभी नहीं कहा कि गौसे आजम अल्लाह की ताकत के बगैर सुनते हैं, कभी ये नहीं कहा। अकीदा तो वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ वी टेक दिस वर्स अकॉर्डिंग टू यू फॉर द रियल डेड, स्टिल आवर अकीदा इज प्रूवन फ्रॉम द वेरी वर्स ऑफ द कुरान। इसी आयत से हमारा अकीदा साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये लोग इससे लोगों को इस चीज से दूर करते हैं और मिसकोट करते हैं। अब आइए, एक तो सुनने की बात की, दूसरी बात करने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने किसी भाई की कब्र पर जाता है और वहां जाकर सलाम करता है, वहां बैठता है, मुर्दा सलाम सुनता भी है, जवाब भी देता है, और जब तक बैठा रहता है मुर्दा सुकून भी पाता है। किसी भाई की कब्र पे जाकर आप सलाम करो तो मुर्दा सुनता भी है और सलाम का जवाब भी देता है, और तुम्हारे बैठने से उसको तस्कीन भी होती है, सुकून भी मिलता है। मुझे बताइए, सुकून मिलने के लिए जिंदगी का होना जरूरी है कि? और सलाम का जवाब देने के लिए सलाम का सुनना जरूरी है। तो सुनना भी साबित हुआ, जवाब देना भी साबित हुआ। तुम कहते हो कि कुरान करीम में मुर्दा नहीं सुनते, यहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिर्फ सुनते नहीं, जवाब भी देते हो। अब कुरान को तुम ज्यादा समझे या अल्लाह के हबीब ने ज्यादा समझा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं और तुम ऐसे मुनाफिक हो कि तो एक तरफ कहते हो कि मुर्दा नहीं सुनते, दूसरी तरफ ये कहते हो कब्रस्तान पे जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहो। क्या मतलब? ऐ कब्र वालो, तुम सब पर सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। अब दिल से बताइए, अस्सलामु अलैकुम का मतलब कब्र वालों पर सलाम है या ऐ कब्र वालो तुम पर सलाम है? तुम पर सलाम है। पीस बी अपॉन यू, सो यू आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द पर्सन हु इज इन द ग्रेव। मुर्दे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो कि ऐ मुर्दो, ऐ कब्र में रहने वालों, तुम पर सलाम। अरे बकौल हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अलैहि रहमा, देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। बात असल में यही है। तुम कहते हो कि या रसूल अल्लाह कहना यह शिर्क है, और तमाम मुर्दों को एक साथ या कहकर पुकारते हो, यह शिर्क नहीं? अपने स्टूडेंट्स को तालीम भी देते हो,
अपनी किताबों में लिखते भी हो कि कब्रिस्तान पे जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर कहो। एक कब्रिस्तान में 1,00,000 मुर्दे हों तो लाखों को या कह के पुकारते हो, ये शिर्क नहीं। और जिनके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई उनको या कह के पुकारना शिर्क, ये कहां का इंसाफ है। फिर डायरेक्ट कम्युनिकेट में अस्सलामु अलैकुम भी कहते हो, इतना ही नहीं आगे क्या है, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत फरमाए हमारी भी मगफिरत फरमाए। ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए और हमारी मगफिरत फरमाए? ये क्यों कहते हो कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए? क्यों मुर्दों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो और आगे कहते हो वह इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन, इंशाअल्लाह हम अनकरीब तुमसे आके मिलने वाले हैं। मिला मुर्दों से जाता है या जिंदों से जाता है? एक तरफ ये कहते हैं कि मुर्दा मरने के बाद एकदम खत्म हो गया, कोई ताकत नहीं है, दूसरी तरफ इनको सलाम भी डायरेक्ट करते हो या कह के भी पुकारते हो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमाए ये भी कहते हो और हम तुमसे आके मिलने वाले हैं ये भी कहते हो। कुछ दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ की हाजिरी के मौके पर दो बर्तानिया के स्टूडेंट्स, यूके के दो स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक ने मुझे मस्जिद नबवी शरीफ में देख लिया। मैं मगरिब की अजान से पहले हाजिरी देकर बाहर जा रहा था, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है डंके की चोट पे कहते हैं, वहां भी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और तुम ऐसे मुनाफिक हो, हमको मुशरिक भी कहते हो, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हो। एक तरफ हमको मुशरिक कहते हो, काफिर कहते हो, और हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हो। हम तुमको अगर वहां भी कहते हैं तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तो हम ऐसे पक्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान में कि तुम्हारे पीछे नमाज भी हम नहीं पढ़ते। मैं निकल रहा था, वो आ रहा था, मुझसे देखे कहा, आर यू हाफिज एहसान फ्रॉम श्रीलंका? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड टेक्स्टेड यू सम टाइम बिफोर, मैंने कुछ दिन पहले आपको मैसेज किया था फेसबुक में, आई वॉन्ट टू हैव अ डिस्कशन विथ यू, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो ये दो लड़के जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मदीने शरीफ में मुझसे कहा डिस्कशन करना है, एक टाइम फिक्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह गुंबदे खजरा के साए में हम लोग बैठ के गुफ्तगू के लिए तैयार हुए। गुफ्तगू के दौरान उसने सबसे पहली बात यही कही कि हुजूर अलैहिस्सलाम माज़ल्लाह मर गए हैं, अब हमारी आवाज़ को नहीं सुनते, और आयत भी यही पेश की। मैंने कहा कि तुम तफसीर में इब्ने कसीर को मानते हो? कहा हाँ मानता हूँ। इब्ने तैमिया को मानते हो? कहा मानता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे इमाम इब्ने तैमिया ने लिखा कि मुर्दों को जिंदों के आमाल दिखाए जाते हैं, और हाफिज इब्ने कसीर ने कहा, हदीस तो कई बुजुर्गों ने लिखी है, हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई की कब्र पे जाओ तो सलाम करते हो तो मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है और तसल्ली भी पाता है तुम्हारे बैठने पर। फिर मैंने ये कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में यहां पढ़ते हो, तुमने कभी पढ़ा है मस्जिद नबवी शरीफ के सामने जो जन्नतुल बकी शरीफ है कब्रिस्तान, वहां जाते हो तो कौन सी दुआ पढ़ते हो? कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे आदमी, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क बोलते हो और तमाम कब्र वालों को या कह के पुकारते हो। फिर मैंने कहा कि और क्या कहते हो? यही बात, अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश फरमाए हमारी भी बख्शिश फरमाए, हम अनकरीब आके तुमसे मिलने वाले हैं। मैंने कहा कि आम मुर्दों से बात तुम करते हो, ये कबूल करते हो कि मुर्दा सुनता है, ये भी कबूल करते हो कि तुम इनसे जाके मिलने वाले हो, ये भी कबूल करते हो कि ये मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है, कैसे मुसलमान हो? जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला कब्र में सुन भी सकता है, जवाब भी दे सकता है, लेकिन नबी नहीं सुन सकते? What a shame on you! You claim that the Muslims can hear, but the one who became Muslim because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he cannot hear. ये कहां का इंसाफ है? अल्हम्दुलिल्लाह उस गुफ्तगू में वो ऐसा मतलब शर्मिंदा हुआ कि कहा कि मैं मजीद रिसर्च करके आपसे गुफ्तगू करने आऊंगा, 6 महीने हो गए अभी तक उसका भी कोई पता नहीं, और इंशाअल्लाह कयामत तक ये नहीं आएंगे। एक रास्ता है कि अपनी गलती को कबूल करके तौबा कर ले और सुन्नी बन जाए, इसके अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो हाफिज इब्ने कसीर ने इस हदीस पाक को नकल किया, और इस हदीस पाक को इब्ने अबी दुनिया जो 281 हिजरी के हैं, इन्होंने भी लिखा। अल इस्तिज़कार इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी हिजरी 463, इन्होंने भी लिखा। इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला हिजरी 505 में वफात पाए, उन्होंने भी इस हदीस पाक को लिखा कि मुर्दा ना सिर्फ सुनता है बल्कि कलाम भी करता है, जवाब भी देता है और तसल्ली भी पाता है। और इब्ने तैमिया
इनका इमाम है ना इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया ने अपनी किताब इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम में भी लिखा, मिन्हाजुस सुन्ना में भी लिखा और फतावा मजमुआ अल फतावा में भी लिखा। अपनी तीन किताबों में हाफिज इब्ने तैमिया ने इन हदीसों को नकल किया। तुम कहते हो मुर्दा नहीं सुनते और तुम इब्ने तैमिया की तकलीद भी करते हो। हमसे कहते हो तकलीद करना शिर्क है, लेकिन तकलीद खुद इब्ने तैमिया की करते हो। इमाम इब्ने तैमिया ने, तुम्हारे इमाम ने भी अपनी तीन तस्नीफ का रेफरेंस मेरे पास है, इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम, मिन्हाजुस सुन्ना और मजमुआ अल फतावा, तीनों किताबों में इन हदीसों को लिखा। और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी तफसीर में फतावा लिल हावी में लिखा और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाही अलैह ने मिरकात में इस हदीस पाक को नकल किया। अब तुम ये कहते हो मुर्दा नहीं सुनते जबकि तुम्हारे इमाम ने भी कहा, हमारे इमाम ने भी कहा, इसका मतलब क्या हुआ? तुम ना अपने इमाम की पैरवी करते हो ना हमारे इमाम की पैरवी करते हो, तुम सिरे से कुरान को और हदीस को मिसकोट करते हो। अब ये ऐसे चोर हैं कि आपके सामने कुरान को भी मिसकोट करते हैं, हदीस को भी मिसकोट करते हैं और कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं, हम हदीस के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते, कुरान के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते। अरे कुरान और हदीस की रोशनी ही में साबित है कि मुर्दा सुनता है, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है और तुम कहते हो कि नहीं सुनते। इसका मतलब जो कुरान से खेलता है वो वही आतंकवाद है। आईसिस का नाम तो सुना है ना आपने, इसी तरह दाइश का नाम सुना है। इन लोगों की वजह से आज सुन्नी मुसलमान भी बदनाम है कि मुसलमान आतंकवाद है। हकीकत यह है कि सुन्नी आतंकवाद हरगिज नहीं, और जो आतंकवाद है वो वहां भी जरूर है, जो टेररिस्ट है वो वहां भी जरूर है। आप देख लीजिए आईसिस, ये जो किताब को प्रमोट करते हैं वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद है, उस किताब को प्रमोट करते हैं जो इमामुल वहाबिया ने लिखी। इसका मतलब उसी अकीदे के ये मानने वाले हैं। कोई भी सुन्नी मुसलमान एक्सट्रीमिज्म को कबूल नहीं करता, इसलिए कि इस्लाम तो पीस का मैसेज दे रहा है। हमारा पहला पैगाम क्या है? मिलते वक्त अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू। जो पीस का मैसेज दे वो कहां से एक्सट्रीम हो सकता है? और ये लोग आज गैर मुस्लिम हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे आर किलिंग द विमेन, दे आर किलिंग द चिल्ड्रन, दे आर किलिंग द एल्डरली पीपल। होता है कि नहीं? आज चंद दिन पहले आपने देखा होगा आईसिस का एक मेंबर अपनी सगी मां को रोड पे शूट किया, ये कह के कि मेरी मां ने मुझे आईसिस में दाखिल होने उससे उसके साथ मिलने से मना किया। मां को रोड पे जाके शूट किया और ये कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान, जो हमारे अकीदे पे नहीं वो मुशरिक है, उनका उनको कत्ल किया जाए। जबकि कुरान और हदीस से ये साबित है जिहाद भी जब हो जिससे मुकाबला है उसी से मुकाबला। जिहाद के दौरान औरतों को मारने का हुक्म नहीं, बच्चों को मारने का हुक्म नहीं, बूढ़ों को मारने का हुक्म नहीं, लेकिन ये रास्ते में जो भी नजर आते हैं सबको मारते जा रहे हैं। तो कुरान के खिलाफ ये जाते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है। ये एक्सट्रीमिस्ट, ये इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं और यही दरअसल वहां भी अकायद वाले हैं। सुन्नी हरगिज एक्सट्रीमिज्म नहीं है और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो वहां भी जरूर होगा। और आगे बढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की भी ताकत दी, जवाब देने की भी ताकत दी और मुर्दों को दुआ करने की भी ताकत दी है। हमारे मुर्दे, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए दुआएं करते हैं। क्या आपकी समझ में यह बात आती है कि कैसे हो सकता है कि आपके मां बाप, आपके रिश्तेदार आपके लिए कब्र में रह के दुआ करें? कंफ्यूजन वाली बात है ना। हाउ इज इट पॉसिबल दैट माई पेरेंट्स आर प्रेइंग फॉर मी? हदीस पाक में है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन अमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम फी कुबूरिहिम अव कमा काल। तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे जो अकरबा हैं, अपनी कब्रों में, उनकी कब्रों में तुम्हारे आमाल उनको पहुंचाए जाते हैं। योर डीड्स आर प्रेजेंटेड इन द ग्रेव्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर रिलेटिव्स। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे नेक आमाल को देखते हैं तो वो खुश होते हैं, तुम्हारे गुनाहों को देखकर वो रंजीदा होते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب حقوق الوالدین میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا, اور آگے یہ بھی لکھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اپنے ماں باپ جو انتقال کر چکے اپنے گناہوں سے ان کو تکلیف مت دو, اس لیے کہ قبر میں ان تک اعمال پہنچائے جاتے ہیں, نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, گناہوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں, ان کو رنجیدہ مت کرو. آگے حدیث کے جملے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ والدین تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا, اللہ اکبر, یا اللہ جب تک ان کو تو ہدایت نہ دے موت نہ دینا. کتنی پیاری دعا, کون دعا کرتا ہے؟ والدین اور رشتہ دار. دعا بھی کیسی, ایمان کی حفاظت کی دعا, ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہم لا تمتہم, یا اللہ انہیں موت نہ دینا, حتی تہدیہم, جب تک یا اللہ تو انہیں ہدایت نہ دے. ارے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے قبر میں رکھ کے ایمان کی دعائیں دیتے ہیں, جب ماں باپ عام مسلمان تمہارے رشتہ دار تمہارے بھائی بہن تمہارے لیے قبر میں رہ کر ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہماری بھلائی کے لیے قبر انور سے دعا کرے تو کیسے شرک ہو؟ تم کہتے ہو کہ غوث اعظم ہمارے لیے دعائیں نہیں کر سکتے, تم کہتے ہو غریب نواز سے التجا کرنا یہ شرک ہے, وہ ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے. ارے تمہارے عام مردے سنتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں, تمہارے امام نے بھی اس حدیث کو نقل کیا, حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا, ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا. محترم حضرات مجھے بتائیے, حدیث کی کتابوں میں واضح طور سے موجود, ان کے اماموں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ مردے سنتے بھی گئے, دیکھتے بھی گئے, پہچانتے بھی ہیں اور ایمان کی دعائیں بھی دیتے, لیکن یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو شرک کہتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ نبی کی بات پہ شرک کہتے ہو, اور اپنے امام نے جب لکھا کہ مردے سنتے ہیں تو کبھی اس کو شرک نہیں کہا تم, سلام قبرستان میں جا کے کرتے ہو تو کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ مردے نہیں سنتے, پھر بھی سلام کرتے ہو, یہی بات نبی کی آئی تو فوراً اعتراض کہ نبی نہیں سنتے. اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کی محبت دلوں میں نہیں ہے. ہمارا جھگڑا تم سے اسی بات پر ہے کہ تم ایسی باتوں پہ کبھی اعتراض نہیں کیے, نبیوں کی بات آئی اولیاء کرام کی بات آئی تو فوراً اعتراض کرتے ہو, اور وہ بھی قرآن کو مس کوٹ کرتے ہو, شرم نہیں آتی. تم نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ تمہارا اسلام ہے؟ اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو, مردوں کی عام مردوں کی بات پہ کبھی اعتراض نہیں کیے, حضور کی بات پہ اعتراض کر دی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا. اب روح قبض کرنے پر فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا, یعنی وہ فرشتہ سب کی روح قبض کرتا. ایک ریسرچ کے مطابق آج دنیا میں ایک سیکنڈ میں دو آدمی کی موت ہوتی ہے, کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ہم دو آدمی کی موت کو لے کے چلتے ہیں. کیا ہر آدمی چیتا کیمپ ہی میں مرتا ہے؟ کوئی یہاں مرا, کوئی کسی اور شہر میں مرا, کسی کا انتقال پیرس میں ہوا, کسی کا انتقال لندن میں ہوا, کسی کا انتقال سری لنکا میں ہوا. ایک سیکنڈ میں دو آدمی تو ایک منٹ میں 120 ہوئے کہ نہیں؟ 120 آدمی کی روح کو ایک ہی منٹ میں ملک الموت قبض کر سکتا ہے. اور روح قبض کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا. بغیر یہ جانے کہ آپ کی موت کب آنے والی ہے اور کہاں پر آنے والی ہے, ملک الموت کیسے قبض کرے گا؟ اگر تم انکار کرو گے تو مطلب قرآن کی آیت کا تم انکار کرتے ہو. اللہ نے جب فرمایا ملک الموت کو ہم نے مقرر فرمایا, تو اس کا مطلب ملک الموت جانتا ہے آپ میں سے کون کب مرے گا, کہاں پہ مرے گا. اللہ نہ کرے کبھی زلزلہ آ گیا, سونامی آ گیا, ہزاروں کی موت ایک ساتھ ہوتی ہے, اور ان ہزاروں میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 3 دن کے بعد کوئی آدمی زندہ نکلا, 4 دن کے بعد کوئی بچہ زندہ نکلا,
मतलब मलकुल मौत ये भी अल्लाह की अता से जानता है कि इन हजारों में किस किस को मरना है और किसको नहीं मरना, और हजारों की मौत एक बम ब्लास्ट में एक ही वक्त में हो जाती है तो सबकी रूह को एक ही वक्त में कब्ज करने की ताकत अल्लाह ने दी है कि नहीं, ये जाना कि नहीं कि इसकी मौत इस वक्त फिक्स हो चुकी है, और उसी मौके पर अगर किसी का इंतकाल श्रीलंका में हुआ तो वहां पहुंचने की ताकत अल्लाह ने दी है कि नहीं। अब हदीस की रोशनी में पता चला मलकुल मौत के सामने पूरी दुनिया एक थाले की तरह है, सब इंसान उसके सामने उनके सामने है, और वो जानते हैं जिसकी रूह निकालने का वक्त आ जाता है आसानी से रूह निकाल लेती। क्या कभी किसी वहाबी ने एतराज किया कि यह कैसे मुमकिन है कि मलकुल मौत जान ले कौन कब मरेगा कहां मरेगा, जबकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा तदरी नफसुम बि अय्यि मर्दिन तमूत, कोई शख्स ये नहीं जानता कि कौन कब मरेगा, कल कौन क्या करने वाला है। जब हम ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कल कौन क्या करेगा कौन कब मरेगा, तो फौरन ये आयत पेश करते हो कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यही बात मलकुल मौत की आई तो कोई एतराज नहीं किया। मलकुल मौत हाजिर और नाजिर हुआ कि नहीं, एक ही वक्त में सबको देखता भी है, हर जगह से रूह कब्ज करने की कुदरत भी अल्लाह की अता से रखता है, किसी वहाबी ने एतराज नहीं किया। कैसे इंसान हो, नबी के खादिम, फरिश्ते अंबिया किराम के खादिम होते हैं, खादिम की ताकत को मानते हो मखदूम की ताकत को नहीं मानते, कैसे मुसलमान हो जब फरिश्ते की बात आई तो कुरान की आयत को पेश नहीं किया तुमने, मखदूम की बात आई तो फौरन कुरान की आयत को पेश कर दिया, क्या यही तुम्हारा कलमा, क्या यही तुम्हारी इस्लाम तुम्हारा इस्लाम है, कैसे तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। खादिम की बात पे कोई एतराज नहीं, अंबिया किराम की बात आई तो फौरन एतराज, तब वो कुरान की आयत पेश क्यों नहीं करते फरिश्तों की बात पर। अब अल्लाह की अता से फरिश्ता जानता है, इसका मतलब मलकुल मौत हाजिर और नाजिर है, कोई फतवा नहीं। यही हमने जब कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर और नाजिर है तो फौरन शिर्क और कुफर का फतवा, ये कहां का इंसाफ है मुहतरम हजरात, हमारा इनसे झगड़ा ही यही है। और इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी कई हमारे अकाबिर ने किया, और पिछली सदी में जब ये हंगामा बढ़ता गया एक तरफ से वहाबियों ने तीर शुरू कर दी, एक तरफ से देवबंदियों ने तीर अंदाजी शुरू कर दी, एक तरफ से कादियानी ने शुरू कर दी, चारों तरफ से जब वार हुए ईमान को लूटने की कोशिश की गई तो अल्लाह ताला ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिजात में से एक मौजिजा बनाकर भेजा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बनाकर भेजा, मुजद्दिद वक्त बनाकर भेजा, और आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामने वाज़े तौर से पेश कर दिया कि ये वहाबी कुरान को मिसकोट करता है। आला हजरत ने वाज़े तौर से पेश कर दिया कि उर्स मनाना इन बुजुर्गों से साबित है, और मुर्दों का सुनना इन बुजुर्गों से हदीस की किताबों में साबित है, औलिया किराम की मदद करना औलिया किराम का यह भी कुरान और हदीस से साबित है। आला हजरत ने यही तो एहसान हम पर किया है, कोई नया दीन नहीं लाए, तुम बरेलवियों को यानी आला हजरत के मानने वाले को मुशरिक कहते हो इस बिना पर कि ये उर्स मनाते हैं, ये मीलाद मनाते हैं, ये वसीला लेते हैं, ये तवस्सुल लेते हैं, ये तवस्सुल के कायल हैं, ये बुजुर्गों से मदद लेते हैं। अरे तुम्हारे इमाम ने भी तो कहा कि मुर्दा दुआ करता है, तब क्यों तुमने फतवा नहीं लगाया, इब्ने तैमिया पर शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाया, सिर्फ आला हजरत को क्यों टारगेट करते हो। मतलब यह है यहां बात वाजे हो चुकी कि आला हजरत ने चोर को चोर साबित करके दिखा दिया, अब तुमसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारी हकीकत जाहिर हो गई, तुमसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो आला हजरत को बदनाम करने के लिए अपने बुजुर्गों की किताबों में जो ये अकाइद साबित होते हैं उन हदीसों को तर्जुमे से हटा दिया और नई प्रिंट जो की सब मुख्तसर शॉर्ट वर्शन कर दी, इब्ने कसीर की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, जलालन की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, मिश्कात शरीफ की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, बुखारी की भी शॉर्ट वर्शन आ गई, अकाइद के ताल्लुक से जो हदीसें थी सबको निकाल दिया। अवाम को धोखा देते हो और कहते हो कि आला हजरत ये दीन लाए, अरे आला हजरत वही दीन लाए जो सहाबा किराम का दीन था, आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े करके दिखाया, यही वजह है कि हम आला हजरत का शुक्र अदा करते हैं एहसान मानते हैं। क्यों, किसी ने अगर मुसीबत में आपकी मदद की या आप डूब रहे थे किसी ने हाथ देकर आपकी जान बचाई
मदद करने वाला अल्लाह है लेकिन अल्लाह ने इसको जरिया बनाया, जान बचाने वाला अल्लाह है लेकिन अल्लाह ने इसके जरिए आपकी जान बचाई। आप ये नहीं कह सकते कि इसके जरिए जान नहीं बची, इसलिए कि अल्लाह ने इसके जरिए तुम्हारी जान बचाई। तुम डूब रहे थे, आके हाथ दे दिया, अब तुम्हारे ऊपर यह जरूरी है, मल्लम यश्कुर इन्नास लम यश्कुर इल्ला, जिसने अपने मदद करने वाले का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जिसने जान बचाई, जिसने मुसीबत में तुम्हारी मदद की उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। शुक्रिया अदा करोगे तभी अल्लाह का शुक्र अदा करना हुआ। और ईमान जान से भी बढ़कर है, परेशानियों से भी बढ़कर, परेशानी में नजात से भी बढ़कर और जान से भी बढ़कर ईमान है। इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया, यही वजह है कि आला हजरत की तारीफ हम करते हैं, मतलब शुक्राने के तौर पे उनकी नजरों नियाज करते हैं। उनके जो अकायद जो उन्होंने वाजे करके दिखाया अवाम को, हम इसीलिए पेश करते हैं कि अवाम पहचाने ये कोई नया दीन नहीं बल्कि वही बुजुर्गों का दीन है, वही सिरात मुस्तकीम है। जो गौसे आजम जिस रास्ते पर थे, गरीब नवाज जिस रास्ते पर थे, इमाम गजाली जिस रास्ते पर थे, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी जिस रास्ते पर थे, अहले बैत अतहार जिस रास्ते पर थे, सहाबा जिस तरीके पर थे, वही तरीका आला हजरत ने वाजे करके हमारे सामने पेश कर दिया। और देवबंदी, अल्लाहु अकबर, वक्त की कमी है, इजाजत है 10-15 मिनट की? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की कमी है, फिर भी मैं मुख्तसर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देवबंदी कहते हैं कि आला हजरत ब्रिटिश के एजेंट है, कहते हैं कि नहीं? ये देवबंदी कहते हैं कि आला हजरत ये ब्रिटिश के एजेंट थे, क्यों कहते हैं? आला हजरत ने एक किताब लिखी जिसमें यह साबित किया कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। उस किताब के बिना पर इन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश के एजेंट है, जबकि तुम्हारे इमाम अशरफ अली थानवी ने भी ये कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। तो अगर इस बिना पर आला हजरत एजेंट हुए तो तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा इमाम अशरफ अली थानवी भी ब्रिटिश का एजेंट होना चाहिए। लेकिन इस बात को तुम लोगों से छुपाते हो, तुम्हारा मकसद किसी भी तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा को बदनाम करना है, क्यों पता है? वजह यह है कि तुम्हारे इन अकाबिर ने जब यह कहा कि माज अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, और एक जगह यह भी लिखा कि अल्लाह झूठ बोल चुका माज अल्लाह, तुम्हारे बुजुर्गों ने यह भी लिखा कि हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम का इल्म गैब इसमें क्या खासियत है, ऐसा इल्म तो पागल बच्चा और जानवर को भी है। तुम्हारे बुजुर्गों ने यह लिखा हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के बाद अगर कोई नबी आए तो खातिमुन नबीन तो हुजूर ही रहेंगे, दूसरा नबी आ सकता है। जब ऐसे अकायद तुम्हारे बुजुर्गों ने लिखा तो उस दौर में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान और हदीस की रोशनी में इन सब का रद्द फरमाया और ईमान की हकीकत से हम सबको आगाह फरमाया। इस जान के बिना पर तुम आला हजरत इमाम अहमद रजा के खिलाफ बोलते हो। आइए एक दो बात हम आपके सामने पेश करते हैं, आप किस वजह से आला हजरत इमाम अहमद रजा से बुग्ज रखते हो, और यह भी पेश करना चाहते कि तुम्हारे मुल्लाओं ने कैसी कैसी बातें पेश कर दी है। अल्लाह अकबर, इस पर मैं ज्यादा नहीं बल्कि एक दो बात। अशरफ अली थानवी, इसके एक चाहने वाले ने ख्वाब देखा कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम उर्दू में कलाम फरमाते हैं। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम उर्दू में कलाम फरमाते हैं, तो उस नेक शख्स ने, इनके मुताबिक वो साले हैं, उस शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो अरबी है, आपको उर्दू कैसे आ गई? तो ख्वाब में हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब से उलमाए देवबंद से मेरा कनेक्शन हो गया मैं उर्दू सीख चुका। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे एक जगह तुम ये लिखे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और ख्वाब में तुम या रसूल अल्लाह कहते हो, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में इस बात को तुम छापते भी हो, मतलब तुमने ख्वाब को दलील बना लिया। और तीसरी बात, तुम्हारा यह कहना है माद अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो यहां जिंदगी कैसे साबित हो गई, कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुम्हारे ख्वाब के मुताबिक जो तुमने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल यानी 1300 साल पहले वफात पा चुके, एक जगह यह लिखे कि मरकर मिट्टी में मिल गए, दूसरी जगह यह लिखते हो कि उलमाए देवबंद से राबता भी है, तो मरकर मिट्टी में मिल गए तो 1300 साल के बाद उलमाए देवबंद से कैसे राबता हुआ?
और उर्दू का सीखना इस बात की दलील है कि तुम्हारे इस अकीदे के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है, ये डबल पॉलिसी क्यों? एक जगह ये लिखते हो कि मरकर मिट्टी में मिल गए, दूसरी जगह देवबंद के मदरसे को तुम चर्चा देने के लिए उसकी अफजलियत बयान करने के लिए झूठा ख्वाब पेश करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसी तरह तुम्हारे इमाम कासिम नानोथवी ने यह लिखा अलबराहिनुल कातिया में, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कुरान से साबित नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा शैतान और मलकुल मौत का इल्म है। ये लिखा कि मलकुल मौत का इल्म साबित है, शैतान का इल्म साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म साबित नहीं। इस तरह की बातें जब तुमने लिखी तो इमाम अहमद रजा को अल्लाह ताला ने मुजद्दिद बनाकर भेजा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बनाकर भेजा ताकि लोगों के ईमान की हिफाजत हो जाए, और तुमसे यह बर्दाश्त नहीं हो पाया। और तुम ये भी कहते हो कि अशरफ अली थानवी ने जब इल्म गैब पर लिखा तो उनका मकसद ये नहीं था। तुम तो कहते हो कि नबी गैब नहीं जानते, अशरफ अली थानवी के दिल में क्या था तुम कैसे जान ली कि उनका मकसद ये नहीं था, तुम्हें कैसे पता? कासिम नानोथवी ने जब ये लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा नबी आ सकता है तो कासिम नानोथवी का मकसद ये नहीं था कहने के लिए, तुम्हें कैसे पता उसके दिल में क्या था? रशीद अहमद गंगोई ने यह जब लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा मलकुल मौत और शैतान का इल्म है तो इसकी तावील करते हो कि नहीं उनका यह मकसद नहीं था, तुम्हें कहां से पता चल गया? तुम तो इल्मे गैब के मुनकिर हो। अच्छा मान लेते हैं, तुम अगर यह कहते हो कि नहीं उनका मकसद यह नहीं था, मतलब तुम इस अकीदे के खिलाफ हो। जब इस अकीदे के खिलाफ हो तो इस किताबों को छापते क्यों? जब तुम तावील करते हो मतलब यू एग्री व्हाट एवर दे रोट इज इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग, देयर इंटेंशन वॉज नॉट दिस, देयर इंटेंशन वॉज दैट, इसका पेश करना इस बात की दलील है कि तुम मानते हो उन्होंने जो लिखा गलत है, बल्कि हकीकत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म है, यही मतलब हुआ ना? शैतान से ज्यादा नबी को इल्म है, यही मतलब हुआ? जब यही मतलब हुआ तो इस किताब को अब तक क्यों छापते हो, और वो भी तुम्हारे देवबंद से क्यों छापते हो? यह छापना इस बात की दलील है, तुम आवाम को कंफ्यूज करने के लिए यह कहते हो कि हम तो उसी अकीदे पे है जो सहाबा का अकीदा था, लेकिन हकीकत यह है आवाम को करीब करने के बाद तुम इन अकायद से उनको आगाह करते हो, तभी तो ये किताबें अब भी छापते हो। ये मुनाफिकत क्यों करते हो ए उलमाए देवबंद? अगर कोई यहां तबलीगी जमात का शख्स मौजूद हो आप अपने उलमा से जाके पूछिए अगर ये गलत है तभी तो तावील करते हो, जब तावील करते हो मतलब गलत मानते हो तो छापते क्यों हो? और जिन लोगों ने ऐसी गलती की उनकी किताबों को अब भी तुम्हारे दरस में क्यों पेश करते हो, क्यों पेश करते हो? हमारा मुतालबा है, सीधी सी बात, हम तबलीगी जमात में आने को तैयार है लेकिन एक कंडीशन है, हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है विथ वन कंडीशन, मौलवी इलियास कांधेलवी की किताब को बंद करो, अशरफ अली थानवी की जितनी भी तफासिर किताबें हैं सबको बंद करो, आओ इमाम गजाली की किताब पढ़ाओ, हम भी पढ़ेंगे तुम भी पढ़ो, गौसे आजम की किताब को पढ़ाओ, उससे तालीम दो, उससे तरबियत दो, हम भी पढ़ेंगे तुम भी पढ़ो, इसलिए कि इमाम गजाली और गौसे आजम और इमाम अब्दुल वहाब शारानी जैसे बुजुर्गों की किताबों को लाओगे तो अकीदा तो वही है जो हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे इसलिए कि यह तुम्हारी मुनाफिकत है, तुम चाहते ही यही हो कि फितना हो। तुम एक तरफ कहते हो कि हम यूनाइट होना चाहते हैं, हम यूनिटी चाहते हैं, जब यूनिटी चाहते हो तो इख्तलाफ वाले बुजुर्गों की तुम्हारे इन बुजुर्गों की बातों को क्यों लाते हो? तुम यूनिटी चाहते हो, हम भी यूनिटी चाहते हैं, इख्तलाफ शुरू तुमने किया, इल्मे गैब पर एतराज तुम्हें शुरू किया, हाजिर और नाजिर पर एतराज तुम्हें शुरू किया, मुर्दे के ना सुनने पर एतराज तुम्हें शुरू किया, आओ सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ, हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 73 फिरके होंगे तो होना ही है, 72 को जहन्नम में जाना है तो जाना ही है। अब चूंकि 72 को जहन्नम में जाना है इसलिए कुछ लोग इसमें से तौबा करके वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमारा मुतालबा उन आवाम से है, उन कंफ्यूज माइंडेड पीपल से है कि आप ये बातें उनके सामने पेश करें, उनसे जवाब ले, अगर ये जवाब ना दे
अगर ये डिप्लोमेसी इस्तेमाल करे, ये ऐसी पॉलिटिक्स वाली बातें इस्तेमाल करे, तो समझ लेना ये चोर है ईमान के। और अभी से आप अपने आम ईमान को बचाकर अपने बुजुर्गों की बारगाह में आ जाइए। उलमाए अहले सुन्नत से अकीदे अहले सुन्नत सीखिए, इंशाल्लाह आपका ईमान बच जाएगा। और अगर आज आपने इस पर मेहनत नहीं की तो अल्लाह ना करे कल कोई ऐसा मौका आ जाए कि आप जैसे अपने बाप दादा को मुशरिक कहते हो, आपका बेटा भी आपको मुशरिक कहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी से अकायदे अहले सुन्नत पढ़ने की भरपूर कोशिश कीजिए और अभी से वक्त दीजिए। डोंट से कि यार अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो सीख लेंगे। नहीं मोहतरम, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को तीन चीज़ें सिखाओ। सबसे पहली बात जो फरमाई, हुब्ब नबी यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। उसके बाद फरमाया अहले बैत की मोहब्बत। उसके बाद फरमाया कुरान की मोहब्बत, तिलावत कुरान। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने बच्चों ही को सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखाने को फरमाया। इसलिए घर में कम से कम दिन में एक ऐसा वक्त निकालो, आधा घंटा ही सही, खाते वक्त या कभी ऐसे ही बैठो, फैमिली को जमा करो, बच्चों को जमा करो, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का बयान करो, सईदा आयशा सिद्दीका के वाकयात को बयान करो, सईदा फातिमतु जहरा के वाकयात को बयान करो, उम्मुल मोमिनीन के वाकयात को बयान करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करो, ताकि उनके दिलों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो। ये पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह कोई भी वहाबी इनके ईमान को लूट नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। चूंकि ऑर्डर आ चुका ख़त्म करने का, मैं बस दो जुमलों के बाद ख़त्म करता हूँ। मैंने जो ये कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से ये कहते हैं कि नबी दुआ नहीं कर सकते, वली दुआ नहीं कर सकते, तुम्हारे इमाम ने लिखा वक़ुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, सूरह तौबा आयत नंबर 105 गालिबन, कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, वो भी ईमान की दुआ। जब वालिदैन से ईमान की दुआ साबित है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में रहकर हम गुलामों के लिए दुआएँ करें, तो इसमें कौन सा शिर्क और बिदत हो गया? तुम इसको मानते हो, उसको नहीं मानते, मतलब तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम चोर हो, तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है। इसलिए हम दावत देते हैं ऐ कंफ्यूज माइंडेड पीपल, जो अब तक कंफ्यूज हो चुके कि ये सही है कि वो सही है, आइए सामने बैठ के डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह हमारे उलमा आपको तशफी बख्श जवाब देंगे। और उनसे भी जाके ये ऑब्जेक्शन रेस कीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब ना दे तो समझ लेना ये ईमान के चोर हैं और हमें ईमान की हिफाजत करनी है। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुझे जाना तुझे माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज का ये अजीम शान जलसा सफर सुन्नाह की जानिब से मुनक्किद किया गया, और जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हमारा ताउन किया, इसको कामयाब बनाने के लिए दामे दरमे कदमे सुखने मेहनत की, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हम दुआगो हैं के परवरदिगार आलम तमामी हजरात की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, मेहनतों को कबूल फरमाए, और ये मेहनत करना इनके लिए आखिरत का जज़रिया बनाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पेला खुश सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पेला खुश सलाम, शहरे यारे इरम ताजदा रे हरम नौबहारे शफात पेला खुश सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पेला खुसलाम, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा पंज गंजे विलायत पेला सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत
मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद, हम फकीरों की सलवत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तुका वनुका जलवा शान कुदरत पे सलाम, हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन, हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनों मिल्लत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजबत शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सुबह लूँगा शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूँगा, या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, पूरी या रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर पर
पहले कुछ नाते सुना कर फिर पढ़े सर को झुका कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका वातुल्ला अलैका जकनी के वक्त आना कलमाए तैयब पढ़ाना चेहराए अनवर दिखाना अंबरी जुल्फे सुघाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्ला अलैका वस्ता वसुल्बराका हजरत अहमद रजाका मेरे प्यारे मुर्शिद पियाका गम हर बाला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्ला अलैका सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب کریم جو کچھ بھی اس جلسے پاک میں خطاب ہوا نعتیں پڑھی گئیں جو کچھ بھی بیان ہوا پروردگار عالم غلطیوں کو دور فرما کر اسے قبول فرما لے پروردگار عالم مدرسہ سفر السنہ کی طرف سے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اس پروگرام کا جو مقصد تھا لوگوں کو ان کے احوال کی اصلاح کرنا ان کے عقائد کی اصلاح کرنا بد مذہبیت اور بد عقیدگی سے محفوظ کرنا پروردگار عالم حق بات کو بیان کرنا یہ ہمارا کام تھا اب لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دینا مولا کریم یہ تیرا کام ہے اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ساری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما اے اللہ ساری دنیا میں مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں پروردگار عالم اس کو ساری دنیا میں عام فرما دے مولا کریم صحابہ کرام تابعین ائمہ مجتہدین اسلاف کرام کے طریقے پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما مولا کریم بد مذہبیت کو دور فرما دے پروردگار عالم ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما مولا کریم ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا فرما ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما ہماری زندگی میں اپنے حبیب کی سنتوں کو داخل فرما پروردگار عالم گناہوں سے محفوظ فرما چوری غیبت شراب خوری زناکاری بے حیائی اور تمام برائیوں سے محفوظ و مامون فرما مولا کریم نیکیوں پہ ہمیں رغبت اور سبقت عطا فرما اے اللہ علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما پروردگار عالم عوام اہل سنت کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ و مامون فرما رب قدیر یہاں جو لوگ حاضر ہیں
जो भी दुआएं तमन्नाएं आरजुएं नेक और जायज लेकर के हाजिर हैं, तू अलीम व खबीर है, सबकी सुनता है, सबकी जानता है। परवरदिगार अपने हबीब के सदके सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, कोई अपने कारोबार को लेके परेशान है, कोई अपने बच्चों की नाफरमानी से परेशान है, मौला किसी के घर बलाओं ने हमला कर रखा है, किसी के घर बीमारियों का डेरा है, किसी पे कर्ज का बोझ लदा है, किसी की बच्ची नेक रिश्ते के इंतजार में है। ए अल्लाह, आज की मजलिसे पाक के सदके में सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुसीबतें दूर फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके ईमानी जिंदगी और ईमानी मौत अता फरमा। ए अल्लाह, ईमानी जिंदगी और ईमानी मौत अता फरमा। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وملانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه بارك وسلم सलातम व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।